नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने मेरे लेवल्स के मैजिक खुद देख लिया दोस्तों। और आज हमारे पास में एक ग्रीन कलर की कैंडल भी बन गई। मार्केट ने 24,331 को टेस्ट करने की कोशिश की और मुझे एक बार ऐसा लगा शायद आज मार्केट में एक रैली हमें देखने को मिल जाए, शॉर्ट कवरिंग आ जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी ने बड़ा अच्छा मूव दिखाया। लेकिन ये निफ्टी इतना बेशरम है कि ये अभी इसी 24,250 के और आपके पास में ना 24,331 के दायरे में ही फंसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, पर देखिए निफ्टी का ये जो कंसोलिडेशन है, हो सकता है कल हमारे को मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग का मूव देखने को मिल जाए, क्योंकि कल है हमारे पास में मंथली एक्सपायरी। और दोस्तों, हमारे पास अब ऑप्शन ही क्या रह गया निफ्टी 50 के अलावा, जो वीकली एक्सपायरी के अंदर हम लोग अपनी पोजिशंस को टाइम टाइम पर ट्रैक कर सकें, टाइम टाइम पर बना सकें। क्योंकि अब तो मिड कैप की भी एक्सपायरी हमारे पास में मंथली हो गई है और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी हमारे पास मंथली हो गई है, जो कि हमारे लिए बड़े मुश्किल का समय, 650-500 रुपये के आपके इसमें ऑप्शंस के प्राइसेस, और बड़ा मुश्किल टाइम है दोस्तों। इस समय पर मेरी एक्सपेक्टेशन मार्केट के लिए अपसाइड के एक मोमेंटम को ब्रेक करने की है, मतलब अपसाइड में एक मोमेंटम जनरेट होगा अगर मार्केट 24,331 को ब्रेक करता है। चांसेस क्या बनते हैं कि मार्केट 24,331 के ऊपर हमें क्लोजिंग दे दे। अगर मार्केट ने हमें 24,331 के ऊपर हमें क्लोजिंग देनी शुरू कर दी, तो दोस्तों उसके बाद मार्केट के अंदर अगला जो मेरे हिसाब से लेवल निकल गया था वो 24,834, और दोस्तों उसके बाद जो मेरे पास लेवल निकल गया था वो है 25,449। मतलब देखिए कितनी बड़ी बड़ी रेंज है, मतलब क्योंकि शॉर्ट कवरिंग अगर आएगी तो हमारे को 24,834 तक लेकर जाएगी, जहाँ पर आपके पास में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। यहाँ अगर प्रॉफिट बुकिंग किसी वजह से नहीं आती है, तो फिर पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आती हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर अगर निकल गया, इस रेजिस्टेंस 24,834 को मार्केट ने अगर निकाल दिया, तो हमारे को एक बड़ा मूव देखने मिलेगा 25,449 का। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि ये मेरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। और कल की एक्सपायरी के लिए आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। मेरी आपको किसी तरीके की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे स्मॉल केसेस को लिंक क्लिक करके देख सकते हैं, और अगर आप मेरे साथ निफ्टी की पोजिशनल हेज स्ट्रेटजी में जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।